हेलो स्टूडेंट, टुडे वी लर्न अबाउट द टर्बो चार्जर। आज हम पढ़ेंगे क्या काम है टर्बो चार्जर, क्यों लगा होता है इंजन में। तो सबसे पहले बड़ा सिंपल सा मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है, वो आपने याद करना। टर्बो चार्जर इज़ बेसिकली ए टाइप ऑफ सुपर चार्जर। ये एक सुपर चार्जर ही होता है, और सुपर चार्जर का क्या काम होता है, इंक्रीजिंग द एयर डेंसिटी। जब हम सक्शन स्ट्रोक में एयर की डेंसिटी बढ़ाने का काम जो करता है वो सुपर चार्जर करता है। तो यानी टर्बो चार्जर और सुपर चार्जर में बेसिक डिफरेंस कोई नहीं है। टर्बो चार्जर इज अ टाइप ऑफ सुपर चार्जर, ये एक टाइप ही है सुपर चार्जर का, ठीक है, जो एयर की डेंसिटी बढ़ा के भेजता है। सर ये क्यों चाहिए? जैसे देखो, अब जैसे एरोप्लेन है, या एरोप्लेन इंजन जो है वो काफ़ी हाइट पर चढ़ता है, तो जो हाइट पर जो एयर की डेंसिटी है वो कम हो जाती है, यानी एयर की जो वैल्यू कह लीजिए वो कम हो जाती है। तो जब सक्शन स्ट्रोक में जब उसने एयर को सक करना है, तो जो एयर की वॉल्यूम है वो कम सक करता है, एज़ कम्पेयर टू जब हमारा जो गाड़ी है जब अर्थ पर चल रही होती है तब एयर का प्रेशर ज़्यादा होता है। यानी कहने का मतलब है, जैसे जैसे हम माउंटेन के ऊपर चढ़ते हैं, तो माउंटेन चढ़ते चढ़ते जो प्रेशर है वो कम हो जाता है, तो प्रेशर कम हो जाता है यानी बाहर का प्रेशर कम हो जाता है, तो एयर इनटेक इन द केस ऑफ द सक्शन वो थोड़ी कम हो जाती है। तो सक्शन की एयर की डेंसिटी को बढ़ाने के कारण, मतलब जैसे अब मैं कह दूँ भाई मुझको बहुत ज़्यादा पावर चाहिए, जैसे बोट हो गई, इंजन बोट कह लीजिए, या कह लीजिए कार है उसको पावर ज़्यादा चाहिए, तो हम ये सुपर चार्जर की ज़रूरत पड़ती है। तो सुपर चार्जर को हम सुपर चार्जर ना लेके हम उसका एक टाइप यूज़ कर लेते हैं, दैट इज़ नोन एज टर्बो चार्जर। तो ये आपको समझना पड़ेगा भी यूज़ क्यों करते हैं। दोबारा से सुन लीजिए, जैसे एरोप्लेन बहुत हाइट पर चढ़ता है तो वहाँ पर प्रेशर कम होता है, तो एयर इनटेक कम हो जाता है, जिससे पावर बनती नहीं है। सिमिलरली जब हम हिल स्टेशन जाते हैं, जैसे शिमला जा रहे हो, तो हिल स्टेशन में जो पावर है इंजन की, अगर टर्बो चार्जर या सुपर चार्जर नहीं लगाओ तो कम हो जाएगी। तो सुपर चार्जर का काम है एयर की डेंसिटी को बढ़ाना, तो वही काम टर्बो चार्जर का है। लेकिन टर्बो चार्ज का इनपुट कुछ हो रहा है, वो आगे डिस्कस करते हैं। टर्बो चार्जर यूज़ एनर्जी फ्रॉम एग्जॉस्ट, जो एग्जॉस्ट गैसेज निकलती हैं उनके प्रेशर या उनकी वेलोसिटी से हम ये जो टर्बो चार्जर है काम करता है। यानी हम एग्जॉस्ट की एनर्जी, जो वेस्ट एनर्जी है, वो यूज़ करते हैं टर्बो चार्ज में, ऑटोमेटिकली एडजस्टेड विद द लोड, क्योंकि जैसे जैसे एग्जॉस्ट गैस का प्रेशर चेंज होता है वो अपने आप एडजस्ट कर लेता है अपने आप को, ठीक है, तो उसके हिसाब से ही जो टर्बो चार्जर वर्क करता है। इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ द इंजन, ये तो सर मेन वर्क ही है इसका, एफिशिएंसी तो सर ये बढ़ाता ही है, एफिशिएंसी ना बढ़ाए तो हमने टर्बो चार्जर का करना क्या। चलो इसका जनरल से हमने बेसिक डायग्राम देखते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा इंजन है, ये हमारा पिस्टन है, ये हमारा एग्जॉस्ट वाल्व है। एग्जॉस्ट वाल्व में से हमारी एग्जॉस्ट गैसेस ये जा रही हैं, ये एग्जॉस्ट गैसें गई और ये एग्जॉस्ट गैसेस यहाँ पर, दिस इज़ बेसिकली अ टर्बो चार्जर, ये एक टर्बो चार्जर है जहाँ पर हमने यहाँ पर जो एग्जॉस्ट गैस का जो कह लीजिए हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर पे और हाई वेलोसिटी में है, ये यहाँ पर ये जो एग्जॉस्ट के बाद हमारे पास टर्बाइन व्हील लगा होता है, जिसपे टर्बाइन व्हील पे जाके जब ये एग्जॉस्ट गैस टक्कर मारती हैं तो ये टर्बाइन व्हील रोटेट होता है। अगर एग्जॉस्ट गैस ज़्यादा है तो वेस्टेज गैस जो है वेस्ट गेट वॉल्व से वो बाहर निकल जाती हैं जितनी हमें चाहिए, इसके बाद भी ये जो एग्जॉस्ट गैस है यहाँ से बाहर निकल जाती हैं, ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा आ गई तो वो पहले ही बाहर निकल जाती हैं, तो इसको रोटेट करती हैं। देखो इसकी ये जो शाफ्ट है, जो ब्लैक कलर की ये शाफ्ट है, ये हमारी एक कंप्रेसर व्हील से लिंक्ड होती है। ये कंप्रेसर व्हील बाहर से एयर खींचता है और यहाँ पर जो एयर आती है वो यहाँ पर कंप्रेस होके, क्योंकि जो कंप्रेस्ड एयर होती है ये रेड जोन तो दिया है कि ये थोड़ी जो कंप्रेस्ड एयर है थोड़ी अभी हीटअप है, गर्म है, तो गर्म को हम थोड़ा सा, ये इंटरकूलर है, चार्ज एयर कूलर यानी इंटरकूलर है, यहाँ से थोड़ी सी एयर को हम ठंडा करते हैं और ठंडा करने के बाद हम ये जो कंप्रेस्ड एयर है इसको दोबारा इनलेट वाल्व में भेज देते हैं, यानी हमारी जो इनलेट वाल्व में जो कह लीजिए एयर की डेंसिटी है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये बेसिक डायग्राम है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। देखो ज़्यादा टेम्परेचर पे हम ज़्यादातर नहीं भेजते इसको, अगर ज़्यादा टेम्परेचर पे भेजें तो जो इंजन की नॉर्मल वर्किंग है उसमें थोड़ी सी परेशानी आ जाती है, कंप्रेशन रेशियो भी बढ़ जाता है, मतलब ये ऐसी सारी चीज़ें, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो उसके कारण थोड़ी सी अलग अलग परेशानी आ जाती है। तो अगर हम ये टर्बाइन लगाते हैं इससे डेंसिटी बढ़ जाती है, ठंडी होकर उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। चलो आगे देखते हैं, ये कट सेक्शन है, तो कट सेक्शन में ये शो किया है, ये जो ब्लैक जो कलर का होता है ना, जो वो टर्बाइन ब्लेड होता है, यहाँ से एग्जॉस्ट गैसेस आती हैं, ठीक है, ये एक शाफ्ट है, कॉमन शाफ्ट है, और ये हमारा कौन सा व्हील है, ये कंप्रेसर व्हील है, यहाँ से एयर सक होती है, ठीक है, यहाँ से एयर आती है, और ये जो बेयरिंग है ये इसका बेयरिंग है, जो हम कह सकते हैं टर्बाइन व्हील का, और ये कंप्रेसर व्हील का बेयरिंग है। यहाँ से हम, क्योंकि कुछ ना कुछ हमें चाहिए होता है,
तो हम यहाँ से ऑयल भेजते हैं जिसके कारण ये थोड़ा स्मूथ रन करे। जैसे ये इसका दोबारा से डायग्राम जो आप देखेंगे ना मार्केट में, तो वो आपको ऐसे दो काले रंग के व्हील मिलेंगे। तो काले रंग के व्हील में एक एयर आउटलेट का होगा, ये देखो ये कॉमन शाफ्ट है, यहाँ से जो एग्जॉस्ट गैस है वो आती हैं, ये घूमती हैं, इसको घुमाती हैं, और ये कॉमन शाफ्ट इसको घुमाता है, ये कंप्रेसर व्हील है, यहाँ से एयर आती है और यहाँ से चली जाती है। तो ये बड़ा सिंपल सा डायग्राम है। तो इसके आगे देखते हैं, ये थोड़ा सा मैंने सेक्शन शो किया है, ये आपको बताया यहाँ पर ऑयल सप्लाई करते हैं, ये टर्बाइन का बेयरिंग है, यहाँ पर भी ऑयल सप्लाई की जाती है, यह कंप्रेसर का बेयरिंग है, यहाँ पर भी ऑयल सप्लाई की जाती है कि ये आराम से चले, ठीक है। ये कंप्रेसर है, ये टर्बाइन व्हील है, ये थ्योरी पढ़ लीजिए। टर्बो चार्जर या टर्बो कहते हैं इसको, टर्बाइन ड्राइव फोर्स रिडक्शन इंक्रीजेज एंड इंटरनल कंबशन इंजन एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं एंड पावर आउटपुट को भी बढ़ाते हैं, ठीक है। ये कैसे, नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन पावर आउटपुट इज ड्यू टू द फैक्ट ऑफ कंप्रेसर कैन फोर्स मोर एयर, कंप्रेसर मोर एयर, ये जो कंप्रेसर है मोर एयर भेजता है, प्रोपोर्शनली मोर फ्यूल, यानी अगर मोर एयर भेजेगा तो फ्यूल भी ज़्यादा यूज़ करेंगे, और कंबशन चैम्बर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अलोन ही नहीं हमारे पास इनपुट होगा, हमारे पास ये कंप्रेसर भी काम आएगा। टर्बो चार्जर ये मेन लिखा है, इसको अच्छी तरीके से पढ़ना है। टर्बो चार्जर कंप्रेसर्स ड्रॉ एन एम्बिएंट एयर एंड कंप्रेसेस इट बिफोर इट एंटर्स इनटू द इनटेक मैनिफोल्ड, के पहले ही हम उसको कंप्रेस कर देते हैं एट इंक्रीज प्रेशर। दिस रिजल्ट इन ग्रेटर मास ऑफ एयर एंटरिंग, यानी हम कह सकते हैं ज़्यादा मास एंटर होता है, तो ज़्यादा एंटर होने के कारण ईच इनटेक स्ट्रोक पे पावर भी है वो बढ़ जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी जो एग्जॉस्ट गैसेस की है वो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये लास्ट देख लेना है, टर्बो चार्ज में भी आल्सो बी यूज टू इंक्रीज फ्यूल एफिशिएंसी विदाउट इंक्रीजिंग पावर, दिस इज यूज्ड बाय रिकवरिंग वेस्ट एनर्जी ऑफ द एग्जॉस्ट गैसेस, ठीक है, एंड फीडिंग इट बैक इनटू द इंजन इनटेक। तो वही जो एनर्जी है हमने कंप्रेस्ड एयर के फॉर्म में दोबारा अंदर भेज दी है, बाय यूजिंग अदरवाइज वेस्टेड एनर्जी टू इंक्रीज द मास एयर इट बिकम्स इजियर टू इंश्योर दैट ऑल द फ्यूल इज बर्न बिफोर बीइंग वेंटेड, मतलब सारे का सारे फ्यूल को आग लग जाए तो जो है जो एग्जॉस्ट स्टेजेस में जाके अनबर्न हाइड्रोकार्बन ना रहे, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा टॉपिक था, तो इसको कर लीजिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।